20,000 सर जी उनको दे रहा था 100 रुपए, तो मैं मना थोड़ी कर रहा था 100 रुपए के लिए, तो वो तो रुका है और डायरेक्ट बोलेगे नहीं 500 दे। वो बोले 500 दो, 500 कहाँ से दूंगा ये बताओ, हाइट है गाड़ी में 500 देने की है। मेरे को गांव जाना है, मेरे तबीयत खराब हो रही है, इस वजह से बोल रहा हूँ, पहले परेशान होकर चल रहा हूँ। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आरटीओ कर्मी बना कैशियर, गाड़ी के डैशबोर्ड को बनाया गल्ला, वसूली के पैसों की सरेआम गिनती, लेकिन ड्राइवर की चालाकी से हुए कैमरे में कैद। 3 जून का दिन, जगह राजस्थान राज्य का अजमेर बाईपास, जहां पर गाड़ी में आरटीओ कर्मी बैठे थे, ड्राइवर को रुकवा लिया गया, वजह वही वसूली। हाथ में नोटों की गड्डियां गिनता हुआ कर्मी ऐसा लग रहा है जैसे कोई कैशियर हो और गाड़ी के डैशबोर्ड को अपना गल्ला बना लिया, जिसमें पैसों की गड्डी में रबड़ लगाकर हिसाब रखा जा रहा है। बड़े आराम से सहेज के कर्मी ये पैसे रख रहे हैं। देखिए कर्मी की ये वीडियो, जिसे बड़ी ही चालाकी से ड्राइवर ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। दे दिया उनको, वो बोले 500 दो, 500 कहाँ से दूंगा ये बताओ, हाइट है गाड़ी में 500 देने की है, बताओ आप ही बता दो, आप खुद सर जी 500 की हाइट है किसमें, बता दो मेरे को, 12 फीट हाइट है, 500 रुपये लगते हैं किसके, अब ले लो सर जी, मेरे को गांव जाना है, मेरे तबीयत खराब हो रही है, इस वजह से बोल रहा हूँ, पहले परेशान होकर चल रहा हूँ, दिखा के आया हूँ फिर से यार। तो सर जी उनको दे रहा था 100 रुपये, तो मैं मना थोड़ी कर रहा था 100 रुपये के लिए, तो वो तो रुका है और डायरेक्ट बोलेगे नहीं 500 दे। अब एक बार बताओ, आपको पता है परमानेंट गाड़ी चलने वाले तो जो एंट्री देती वही देती है। देखा आपने किस तरह से ड्राइवर से वसूली के नाम पर शोषण किया जा रहा है। ड्राइवर जो गिड़गिड़ा रहा है कि उसे गांव जाना है, उसकी तबीयत भी नहीं ठीक है, लेकिन ये जनाब सुनने को तैयार ही नहीं थे, बल्कि 20,000 के चालान की धमकी दी गई, ड्राइवर की गाड़ी का परमिट ले लिया गया, बहाने से कोई ना कोई कमी निकाली गई, थक हार कर आखिरकार ड्राइवर को 200 रुपए देने पड़े। लेकिन इस वीडियो को ड्राइवर ने रिकॉर्ड कर हम तक पहुंचाया। हमने एआरटीओ से वीडियो देखने के बाद बात की, तो उन्होंने कहा कि ये वीडियो हमें भेज दें, जो बनती कार्रवाई होगी वो करने का आश्वासन हमें उनसे मिला है। लेकिन इस तरह के दृश्य रोजाना सामने आ रहे हैं, इनमें कमी क्यों नहीं आ रही, ये एक बड़ा सवाल है। ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज, देखते रहिए ट्रांसपोर्ट टीवी। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90831 90831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।